वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। इस दोस्तों आज आप लोगों ने हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, कोई भी हम लोगों से बोलता है हाउ आर यू, तो हम लोग उसका जो जवाब देते हैं वो बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू। बट गाइज हेयर आई एम फाइन थैंक यू इट्स अ काइंड ऑफ ओल्ड फैशन, सो टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ यू हैव टू रिप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन विद डिफरेंट पीपल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कंटिन्यू वॉचिंग। यस गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए आंसर टू यूज विद स्ट्रेंजर्स, क्योंकि जब भी हम लोगों को कोई भी पूछ लेता है आते जाते हुए बस में या फिर कहीं मॉल में या फिर कहीं पे भी हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी मिल जाता है और हम लोग से पूछ लेता है सिंपली हाउ आर यू, तो आप लोगों को वहाँ पे किस तरह से आपको आंसर करना है। आपको हमेशा यही नहीं बोलना है आई एम फाइन, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर बंदा अगर आपसे पूछ रहा है, कोई भी स्ट्रेंजर्स आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू, तो आप उनसे अपनी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सो गाइज हेयर यू कैन से Not bad. Not bad is having also two things. Not bad का मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक ही है, but इसको आप दो तरह से present कर सकते हैं। किस तरह से? It depends on your intonation, voice intonation. अगर आप बोलेंगे not bad, तो इसका मतलब ये होता है कुछ अच्छे situations में आप बोल रहे हैं not bad, everything is good. But अगर आप बोलेंगे not bad, तो it means something is not really good. तो इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटोनेशन, हाउ यू आर प्रोनाउंसिंग एंड हाउ यू आर टेलिंग टू अदर पर्सन। सो वॉट इज द नेक्स्ट एंड हाउ वी कैन से इज गाइज हेयर वी हैव सेकेंड ऑप्शन, और हम लोग दूसरा ऑप्शन क्या बोल सकते हैं स्ट्रेंजर्स से? ऑल राइट। ऑल राइट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एवरीथिंग इज गुड, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर इंटोनेशन कि आप इसको किस वे में बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं एवरीथिंग इज गुड, अगर आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आप उसको अगर इस तरह से बोलेंगे एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो यहाँ पे आपका जो कॉमन अच्छी तरह से आप उसका जवाब दे रहे हैं, इट मींस एवरीथिंग इज गुड। और दूसरा अगर आप बोल रहे हैं ऑल राइट, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं इट्स समथिंग काइंड ऑफ नेचुरल थिंग। तो जब न्यूट्रल आप रहते हैं तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सिचुएशंस आर नॉट सो गुड, तो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर थिंग्स। So now let's see what is the third option, what is the third way how you can reply to I am fine. तो आप इसको बोल सकते हैं good. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं good, good also a same thing. और यहाँ पे भी आपको बोलना है stranger से, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना है कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो। So guys here यहाँ पे भी इसका same option आएगा I am fine. इस तरह से भी आप इन थ्री न्यू वे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप कैसे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट। और हम अगर फ्रेंड से बात कर रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव से या अपने किसी क्लोज पर्सन से बात कर रहे हैं और उसने हमसे पूछ लिया है हाउ आर यू, सो हाउ वी कैन रिप्लाई इट, सो लेट्स सी। सो गाइज यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं, अगर आपको आंसर देना है आई एम फाइन, किसी ने आपसे पूछा है, बट अगर आप आंसर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर्स से या फिर आपका कोई क्लोज वन है, वहाँ पे आप किस तरह से हाउ आर यू का आंसर देंगे? आप बोल सकते हैं यहाँ पे आई एम एग्जॉस्टेड। द फर्स्ट वन इज़ एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ या बहुत ज़्यादा परेशान होना, क्योंकि जब हम लोग अपनों से बात करते हैं तो हम लोग अपनी सारी सिचुएशंस को उनके सामने बता देते हैं। जब भी स्ट्रेंजर से किसी कोई स्ट्रेंजर पूछेगा तो हम लोग उससे अपनी पूरी सिचुएशंस को नहीं बता पाते हैं, बट इफ़ वी आर टॉकिंग टू आर क्लोज वंस देन वी कैन reply it in a well manner और अपनी सारी चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। अगर आप feel कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा stressed, बहुत ज़्यादा परेशान feel कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं I am exhausted. The next way आप दूसरी तरह से किस तरह से बोलेंगे, आप बोल सकते हैं okay. अब यहाँ पे अगर okay की बात की जाए तो okay आपके intonation पे depend करता है, आप बोल सकते हैं I'm okay, अच्छे वे से भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ओके आई एम ओके। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड कि हाउ यू आर रिएक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप दो तरह से बोल सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो एग्जॉस्टेड, अगर आप ठीक ठाक फील कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ओके। द नेक्स्ट यू कैन से आई एम फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स समथिंग, आप पूरे दिन का आपने शेड्यूल अपना वर्क किया हुआ है और उसके बाद आप थक के लेट गए हैं, तो या फिर आप किसी से भी, किसी ने आपको कोई काम दिया है और वहाँ पे
आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आपसे किसी ने आके पूछ लिया है हाउ आर यू, तो आप उसको बोल सकते हैं आई एम टू मच फ्रस्ट्रेटेड और आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हैं, ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं आई एम फाइन की जगह पे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट व्हाट यू कैन से इज, यस गाइज, यहाँ पे बात हो रही है इफ़ यू आर इन अ ऑफिस, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, ऑलराइट, एंड समवन केम टू यू एंड आस्क यू हाउ आर यू, तो आप उसको किस तरह से रिप्लाई करेंगे? आप उसको ये नहीं बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके। यू कैन सिंपली से आई एम बिजी, आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं जब भी आप बिजी शेड्यूल में हैं और आपसे कोई पूछ रहा है। सो सिंपली यू कैन से आई एम बिजी, नथिंग यू हैव टू से, यू हैव टू से सिंपली लाइक दिस। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉन्टिन्यू वॉचिंग, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल यू इन दिस, सो कंटिन्यू वॉचिंग एवरी वन। सो नेक्स्ट वन यू कैन से, सो नेक्स्ट यू कैन से फिफ्थ वन, सो वी हैव नेक्स्ट टू थिंग्स। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं देन यू कैन से सिंपली आई एम ग्रेट, और अगर आप बहुत अच्छा और ज़्यादा फील कर रहे हैं आई यू आर फीलिंग हैप्पी समटाइम्स, सो आप बोल सकते हैं आई एम एक्साइटेड। आई एम फाइन की जगह पे आप इतने सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं एंड यू हैव टू इम्प्रेस टू द अदर पर्सन इस तरह से। नाउ आई हैव वन टास्क फॉर यू, यू कैन डू इफ़ यू, नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू, आप लोगों को क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हाउ आर यू, आपको बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसे हैं, तो मुझे भी पता लगना चाहिए कि हाउ आर यू। सो लेट्स सी, आई विल ब्रिंग समथिंग न्यू फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो। So I think you like this video. If you like this video, please give your thumbs up. And if you are new on my channel, please subscribe it and press the bell icon so you will get the notification on time for my latest video. So we'll meet you in next video. Till then, bye-bye and take care.